चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एलबीएस एकेडमी का फर्जी बेटी आईएएस मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, एकेडमी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की गई है। बता दें आपको, आरोपों में घिरे एक अधिकारी से भी पूछताछ की गई है और देर रात तक एलबीएस एकेडमी में एसआईटी की टीम डटी रही है और लगातार पूछताछ करती रही है। समाचार पत्र ने एलबीएस एकेडमी को जांच का केंद्र होने के पहले ही संकेत दिए थे। बता दें आपको ये बड़ी खबर, जो फर्जी आईएएस मामला है उसमें अब एकेडमी के अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। बता दें आपको, एलबीएस एकेडमी का फर्जी लेडी आईएएस मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एकेडमी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की गई है। ऐसे फैक्ट्स और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं जिसके जिसको वेरीफाई करने के लिए कुछ साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है और उसी क्रम पे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा चार पांच अलग अलग सब टीम बनाई गई है और उनके द्वारा मसूरी और सेतन में इस संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है और आज मसूरी में इस बेसिस पे ही और इन आरोपों बता दें आपको कि आरोपों में घिरे अधिकारी से पूछताछ की गई है एलबीएस एकेडमी के। देर रात तक एलबीएस एकेडमी में एसआईटी की टीम गठित रही और पूछताछ जारी रही और समाचार प्लस ने पहले ही एलबीएस एकेडमी को जांच का केंद्र होने के संकेत दिए थे। तो बता दें आपको, एलबीएस एकेडमी का फर्जी लेडी आईएएस मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एकेडमी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ हुई है। सुदीप जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, पहले ही समाचार प्लस ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि एलबीएस जो है पूछताछ का केंद्र हो सकता है। जी देखिए, प्राची हाई प्रोफाइल मामले में समाचार प्लस सिलसिलेवार तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है और जो जांच चल रही है उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 164 के बयानों में जिस तरीके से रूबी अपनी मुख्य बात पर कायम रही, जैसा कि चर्चाएं रही, उसके आधार पर एसआईटी टीम कल मसूरी पहुंच गई थी। एलबीएस अकादमी में उसने सिक्योरिटी में तैनात रहने वाले जवानों से, पुस्तकालय में तैनात रहने वाले लोगों से, मेस में रहने वाले लोगों से बातचीत की और अधिकारियों से भी उसने पूछताछ की है और इस पूछताछ को बयान बताया जा रहा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और आरोपों में घिरे एक अधिकारी जिन पर रूबी पहले दिन से आरोप लगा रही है, उनसे भी बातचीत हुई है एसआईटी टीम की। साजा अंसारी इस पूरे टीम को, इस पूरे नेतृत्व को लीड कर रही थी, जो कि एसआईटी हेड भी है इस पूरी जांच टीम में। देर रात तक जितनी सूत्र बता पाए, देर रात तक टीम एलबीएस में थी और अब इन बयानों के आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस को इस पूरे मामले में जो दर्ज एफआईआर है, चार्जशीट भी तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश करनी है। तो लिहाजा आने वाले दिन और भी नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कल देर रात तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एलबीएस में अधिकारियों तक ये पूरा मामला पहुंच गया है और उनसे भी पूछताछ की गई है। प्राची जी, सुदीप, इस पूछताछ के दौरान कौन से ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं? देखिए, अभी मुश्किलें बढ़ने जैसी बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ, इतना जरूर है जो अभी तक कहा जा रहा था कि जांच पूरी तरीके से रूबी चौधरी पर केंद्रित है। रूबी चौधरी को ही गिरफ्तार किया गया, दाद देव सिंह ही दोषी है क्या? उसके बाद अब ये जांच आगे बढ़ी है, तफ्तीश आगे बढ़ी है, अधिकारियों से पूछताछ हुई है और जो पहले दिन से आरोपों में रहे हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड इसकी पुष्टि कर दी है, औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। हालांकि कल दिन में आईजी संजय गुंजियाल जी ने ये संकेत जरूर दे दिए थे कि जो बात निकल कर आई है उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी और टीम एलबीएस पहुंच चुकी है। जी प्राची जी, सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वो बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी की चारधाम यात्रा आज से है। आज से चारधाम यात्रा पर बीजेपी निकलेगी। बता दें आपको, पैदल यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेगा बीजेपी का दल। जायजा लेने के बाद राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। तो बीजेपी की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। बता दें आपको कि पूरा जायजा लेगी कि क्या कुछ तैयारियां हुई है, क्या कुछ खामियां है, उसकी जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल और गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। तो आज से चारधाम यात्रा पर है बीजेपी। पैदल यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा बीजेपी का दल लेगा और जो उसकी रिपोर्ट होगी वो तैयार की जाएगी और राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगले सप्ताह शुरू होने जा रही प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। इस बार पुलिस स्लाइडिंग जोन जैसे सिरोह बगड़ के इलाके में यात्रियों के चाय पानी का भी प्रबंध करेगी। ये अभी तक की तैयारियों में सबसे बड़ा और अहम प्रयोग माना जा रहा है। शासन के निर्देशों पर पुलिस ने इसकी प्लानिंग पूरी कर ली है। दरअसल लैंडस्लाइडिंग के दौरान यात्री जाम में फंसते हैं और काफी निर्जन इलाका होने के कारण चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ पुलिस बल्क एसएमएस की भी व्यवस्था कर रही है। ये एसएमएस रीजनल मीडिया को भी मिलेंगे ताकि समाचारों के माध्यम से लोगों को बंद रास्ते या कोई विपदा की समय
से सूचना मिल सके। पुलिस कम्युनिकेशन सिस्टम पर खास फोकस कर रही है और केदारनाथ मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। आईजी संजय गुंजियाल भी निरीक्षण को एसडीआरएफ टीम के साथ चारधाम यात्रा मार्ग पर जाएंगे। हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे एक नई एसडीआरएफ बटालियन का भी गठन किया जा चुका है, तो इस बार हम एसडीआरएफ की दो कंपनी का भी चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए हम लोग उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स है, विशेषकर जो ड्राइवर्स और होटल्स और जो यात्री गाड़ियों को ले जाता है, उनके मोबाइल नंबर को लेकर बल्क एसएमएस की प्रक्रिया भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और वहीं गुरुवार को पर्यटन मंत्री दिनेश विधानी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ चारधाम व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए साफ कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। पर्यटन मंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बोला कि सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बाबा केदार का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा मौसम रहे जिससे हम उन तमाम कमियों को पूर्ण कर सके। नहीं, सरकार पूरी तरह गंभीर है। अब बाबा केदार जी का आशीर्वाद चाहिए बस, ताकि ऐसा मौसम रहे जिसमें कि अगर कोई कमी भी हम उसको दूर कर सके और यात्रा सुचारू रूप चले, ऐसा हम सब लोग बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में विनती करते हैं कि वो यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं। सड़कों को लेकर भी अलग अलग विभाग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है और अपना काम भी विभाग कर रहे हैं, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण हो सकता कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही हो, कहीं व्यवधान हो गया हो। वहीं राहुल गांधी आखिरकार वापस लौट गए हैं और दिल्ली में इसका जश्न भी मना लिया गया है, लेकिन बीजेपी ने राहुल की वापसी पर बड़ा कटाक्ष किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने राहुल गांधी की राजनीति को आइटम सॉन्ग वाली राजनीति बताया है। उनके अनुसार विपक्ष में रहकर जनता की सेवा करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को सबके सामने रखना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी कभी कभी अवतरित होते हैं ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग रखे जाते हैं, एक गाने के बाद गायब हो जाते हैं, वैसा ही हाल राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी जी के राजनीति का तरीका तो अलग ही हो गया है। कभी कभी अवतरित होते हैं, जिस प्रकार से फिल्मों के अंदर आइटम सॉन्ग होता है, एक सॉन्ग करके चले जाते हैं, उस तरह की तरह से राजनीति नहीं होती। राजनीति में पूरे समय काम करना पड़ता है, जनता के दुख दर्द में रहना पड़ता है। इस तरह से जो राहुल गांधी जी का तरीका है, हम चाहते हैं देश में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन वो सक्षम नहीं है कि इस तरह के काम कर पाए। और मुख्यमंत्री हरीश रावत के खटीमा के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम हरीश रावत आज खटीमा ब्लॉक सभागार में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर सीमांत क्षेत्र के जनता की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने खटीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम की सुरक्षा को लेकर पीएसी की दो कंपनियां, दो सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 25 एसआई और 200 पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। रोडों का शिलान्यास होना है, अस्पताल का उद्घाटन होना है और जनता दरबार लगना है, तो मुख्य रूप से ये सरकारी कार्यक्रम है, तो सरकारी कार्यक्रम की व्यवस्था मुख्य रूप से प्रशासन के ऊपर ये है। साथ में हम कांग्रेस के लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को हम जो समस्याएं हैं जनता की उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास ला सकें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। पुलिस की तरफ से जो है अभी सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है, हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और तत्पश्चात जो है हमारे सारे जो भी बम डिस्पोजल है, डॉग स्क्वाड है, जो जितने भी एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, सभी को सतर्क कर दिया गया है और इसमें जो है करीब लगभग दो कंपनी जो है पीएसी और बाकी अन्य जो है थानों से भी फोर्स और जो है इसमें दो एडिशनल एसपी और चार सीओ और बाकी जो है करीब 10 इंस्पेक्टर और करीब जो है 25 सब इंस्पेक्टर लगाए जाएंगे, करीब 200 के करीब कांस्टेबल इसमें लगेंगे और जो है व्यवस्थाएं जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि चुस्त दुरुस्त रहे। और भगवानपुर सीट जीतने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर पीडीएफ के खिलाफ माहौल बनाना शुरू हो गया है। जी हां, इसकी शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने ही की है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि अब हमें बहुमत मिल गया है, ऐसे में पीडीएफ के नेताओं से बात की जाएगी कि 2017 में चुनाव रणनीति क्या होगी। किशोर उपाध्याय ने कहा कि बेहद जरूरी मसला है ताकि आने वाले चुनाव में न कांग्रेस को नुकसान हो और न ही पीडीएफ नेताओं को। हालांकि किशोर के इस तीखे बयान पर सीएम ने चुटकी ली और कहा कि जब मुंह में मिठाई और मीठा घुला हुआ हो तो ऐसे में कंकड़ पत्थर जैसी बातें क्यों करते। जिस समय खुशी का क्षण होता है उस समय
ये कंकड़ उंकड़ जब मुंह में अच्छा स्वादिष्ट भोजन जा रहा है तो ये कंकड़ उंकड़ कहाँ से? नहीं, पीडीएफ से हम लोग चर्चा, मैंने कहा ना अभी तो हम 19 तारीख की रैली में व्यस्त हैं, उसके बाद बैठ करके, क्योंकि एक ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं 2017 में वहाँ पर चुनावी रणनीति क्या रहेगी, उनको भी नुकसान ना हो, कांग्रेस को भी नुकसान ना हो, तो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे। और वहीं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक ममता राकेश ने बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो विश्वास ममता राकेश के प्रति जताया है उस पर खरा उतरने में वो सफल होंगी। ममता राकेश के आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के प्रति जनता के लगाव और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से इतनी बड़ी जीत मिली है। तो वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा है कि मंत्री किसको बनाया जाएगा इसको लेकर आलाकमान को फैसला लेना है, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस पर फैसला लेना है। मंत्री पद का निर्धारण जो है कौन होगा ये पार्टी हाईकमान करती है, सोनिया जी करेंगी जब उसको आदेश हो जाएगा कि एक स्थान रिक्त है या जो भी आदेश होगा मैं उस आदेश का पालन करूंगा। और भगवानपुर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक ममता राकेश कांग्रेस भवन पहुंची। यहां ममता राकेश ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता राकेश के खुद के मंत्री पद के दावों में कुछ नरमी आती दिखाई दी। ममता राकेश ने इससे पहले खुद को मंत्री बनाने जाने की बात कही थी, लेकिन अब ममता राकेश बयान से पलटते हुए कहा कि मंत्री किसे बनाना है इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष को करना है, जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे और अगर मंत्री पद ना मिला तो विधायक रहकर जनता की सेवा करेंगी। तो वहीं उपाध्याय ने कहा कि जो फैसला आलाकमान करेगा वही होगा। देखिए तो पार्टी का फैसला है, पार्टी हाईकमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये पार्टी तय करती है और विशेषकर ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अजीज कुरैशी के कार्यकाल में हुए उनके कई फैसले नियमों के खिलाफ थे। अनिल बलूनी ने कहा कि अजीज कुरैशी के मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए। उनके अनुसार कुरैशी ने हवाई दौरों में जनता का पैसा बर्बाद कर दिया है। उनके अनुसार उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इसकी शिकायत कर दी है। तो वहीं अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की कार्यशैली है और वे जिस तरह से प्रदेश में काम करते दिखाई दे रहे हैं ऐसे में वो मुगलों के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर की तरह साबित होंगे। जैसे बहादुर शाह जफर मुगलों के आखिरी बादशाह थे वैसे ही हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित होंगे। अजीज कुरैशी साहब ने निर्णय लिए तो उनका ट्रांसफर का यहाँ से मिजोरम जाने का आदेश होने के बाद जाने से कुछ पल पहले उन्होंने वो फाइलें साइन की हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक थी। उत्तराखंड का जो सरकारी एयरक्राफ्ट है जो उत्तराखंड की जनता के खून पसीनों के पैसे से चलता है उसके दुरुपयोग का मामला है तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए और अगर यह सही निकलता है तो उसमें रिकवरी भी होनी चाहिए। ये हमारी मांग, हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे उसी प्रकार से कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री साबित होंगे हरीश रावत। और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सूबे में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए हैं। सीएम हरीश रावत ने शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त करने और लंबित मामलों के तुरंत निस्तारण के निर्देश भी जारी किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सड़क निर्माण सहित कई अन्य कार्यों को लेकर भी सीएम हरीश रावत ने निर्देश जारी किए। बड़ी खबर आपको बता दें नैनीताल से, जहां आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बता दें आपको याचिका दायर कर विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी, याचिका पर आज सुनवाई होगी नैनीताल हाई कोर्ट में। नेपाल और अमेरिका की यात्रा पर जाना चाहते हैं आचार्य बालकृष्ण। बता दें आपको फर्जी पासपोर्ट मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जमा है, आज सुनवाई होनी है। बता दें आपको उन्होंने याचिका दाखिल की थी और इच्छा जताई थी कि वो विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं और उनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका दायर कर विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी आचार्य बालकृष्ण ने। बता दें आपको आज सुनवाई होनी है नैनीताल हाईकोर्ट में
इस याचिका पर। नेपाल और अमेरिका की यात्रा पर जाना चाहते हैं आचार्य बालकृष्ण। फर्जी पासपोर्ट मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जमा है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका दायर कर विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी आचार्य बालकृष्ण ने। नेपाल और अमेरिका यात्रा पर जाना चाहते हैं आचार्य बालकृष्ण। बता दें आपको कि फर्जी पासपोर्ट मामले में उनका जो पासपोर्ट है वो नैनीताल हाईकोर्ट में जमा है और आज याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें आपको विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं आचार्य बालकृष्ण, जिसको लेकर याचिका उन्होंने दाखिल की थी नैनीताल हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो बता दें आपको आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर आज सुनवाई होनी है नैनीताल हाईकोर्ट में। मामला है फर्जी पासपोर्ट का जो कि जमा है नैनीताल हाईकोर्ट में और आचार्य बालकृष्ण ने यहाँ पर इजाजत मांगी थी कि वो नेपाल और अमेरिका यात्रा पर जाना चाहते हैं। और एंकर बता दें आपको देहरादून से, जहां आज से देहरादून प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। बता दें आपको रंगारंग समारोह के साथ लीग का आगाज होगा। प्रतियोगिता में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दून क्रिकेट अकादमी इसके साथ रायवाला और हरिद्वार में भी इसका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उपविजेता टीम को 31,000 रुपए की इनामी धनराशि प्रदान की जाएगी। तो बता दें आपको कि आज से आयोजन किया जा रहा है क्रिकेट लीग का और जो जीतने वाला है उसे ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए दिए जाएंगे और उपविजेता को 31,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो आज से होगा देहरादून प्रीमियर लीग का आगाज। रंगारंग समारोह के साथ आज इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। बता दें आपको कि इस लीग में 32 टीमें हिस्सा ले रही है। हरिद्वार में पिछले कई वर्षों से अवैध खनन को लेकर एनजीटी ने निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक एनजीटी के दिशा निर्देश जिला प्रशासन को नहीं मिले हैं, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में नियमानुसार ही खनन होने दिया जाएगा और एनजीटी के निर्देश मिलते ही उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो वहीं अवैध खनन के विरोध में पिछले 17 दिन से अनशन पर बैठे मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने साफ कह दिया है कि जब तक जिलाधिकारी लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक वो अनशन नहीं खत्म करेंगे। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ तक अनशन हमारे मांग तो और बहुत ज्यादा है, जिसके मैं अन्य फ्रंटों पर देखूंगा, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से समस्त खनन पट्टे निरस्त किए जाएं और ये लिखित में। अभी जो है ग्रीन टर्मिनल से जो है अभी कोई जो है डायरेक्शन जो है आए हो, जो मेरी जानकारी में अभी आया नहीं है। अगर ऐसी जानकारी भी हुई तो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है इसको देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, और जो भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है ऑर्डर्स हैं या जो गवर्नमेंट शासन के जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उस पर जो है बात किया जाता है, देखिए। और वहीं रुड़की में गंगनहर में शव मिले, इस इलाके में सनसनी फैल गई। मामला रुड़की के सोत इलाके का है, जहां 5 दिन से लापता कासिम का शव गंगनहर में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक कासिम 5 दिनों से लापता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। शव मिलने के बाद मृतक के घर में मातम के बादल छा गए। परिवार वालों के अनुसार कासिम की किसी महिला से संबंध भी थे, जिसके चलते उसकी हत्या कराई गई है। तो वहीं पुलिस इस घटना को आत्महत्या मान रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बारीकी से सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। काशु नाम का एक लड़का है जो रुड़की शहर से 11 तारीख के शाम को मिसिंग हुआ था। इसे घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दी और उसके वजह से पुलिस ने इसको सर्च भी किया है। इसकी सीरियल लोकेशन हमने निकाली थी। आज दोपहर में इसकी डेड बॉडी आसमनगर जाल से नहर से मिली है। प्रथम दृष्टि ये सुसाइड का मामला लग रहा है, क्योंकि इस लड़के ने पहले भी अपने घर वालों को एक दो बार सुसाइड करने की धमकी दी है। और राज्य में इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने का मसौदा तैयार है। बिल्डिंग की हाइट पर 30 मीटर हो सकेगी। इस मसौदे को मंत्रिमंडल की बैठक में लाने की तैयारी है। इस तैयारी से आवास से समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी, मगर दून का नेचुरल व्यू भी इसकी भेंट चढ़ जाएगा। बढ़ती आबादी और जमीनों की कमी के बीच दून की नेचुरल खूबसूरती को बरकरार रखना बढ़ते वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है। आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक हाइट को 30 मीटर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए चंडीगढ़, नोएडा और लखनऊ जाकर अध्ययन किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री के मुताबिक विधानसभा स्तर तक मामला उठ चुका है, अध्ययन जारी है, इसे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रदेश के अंदर समय समय पर इस तरह की मांग तो उठती रही है और आज भी उठती है। विधानसभा के अंदर भी उठी थी कि जमीन जो कृषि योग्य भूमि है
उसको किसी तरह कम उपयोग उसका हो, उसके बाद उसका परीक्षण चल रहा है और अंतिम रूप दिया जाएगा और जो माननीय मंत्री परिषद है उनके सम्मुख हम इसको ले जाएंगे। सचिव आवास के मुताबिक कीमतों में कमी लाना, आम आदमी को सुविधा मुहैया कराना ही सरकार की कोशिश है। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और साथ ही साथ थोड़ा कार्रवाई चल रही है। मेरे विचार से 15-20 दिन में हम कोई फाइनल इसको करने की स्थिति में आएगी। नेचुरली थोड़ा फिलहाल जो असर हम लोगों ने किया है, विशेष रूप से इसका जो आपका जितने भी फ्लैट्स है उसका कॉस्ट कम हो सकता है और दूसरा जो जमीन पर लोड है वो कम हो जाएगा। योजना अपने आकार के साथ जमीन पर उतर गई तो लोगों की रहने की मुसीबत तो काफी हद तक हल हो जाएगी, लेकिन दून की खूबसूरती को भी निगल लेगी। यहाँ का नेचुरल व्यू भी दूसरे शहरों की तरह सपनों की बात हो जाएगा। राज्य में इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने का मसौदा कैबिनेट के समक्ष पेश होने जा रहा है। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और तर्क इस बात का दिया जा रहा है कि कीमतों में गिरावट से सीधे आम आदमी को लाभ मिलेगा और जमीनों की कमी पहले से बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दून की कुदरती खूबसूरती पर कहीं से ग्रहण तो नहीं लगेगा क्या? दून वैली की हरियाली पर तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ सुदीप जैन, देहरादून समाचार प्लस। और मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में हो रही बारिश और पहाड़ की ऊंचाई वाले इलाकों में गिरती बर्फ चौंका रही है। अप्रैल में सामान्य औसत से करीब करीब दो गुना अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि मार्च में ही 160 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम साफ होने के आसार हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, पहाड़ों की ऊंचाई वाले इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके लिए लोकल कारक और पहाड़ की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक तीन दिन मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन के आसार है, जिसे फिलहाल मॉनिटर किया जा रहा है।